common word is angel. This is Greek word angelos. Angelos. This means messenger. Messenger. Sorry. Angelos means messenger. Messenger और खबर लाने वाला, और मैसेज भी इसका एक मतलब हो सकता है. इसको ग्रीक में हम कैसे लिखेंगे? अल्फा न्यू गामा एपिसाइलन लैम्डा ओमिकॉर्न एंड सिग्मा. सो एंजिलोस इज मैसेंजर और मैसेज. सो यहाँ से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. यहाँ से हमारे पास हो गया जी, इसका मतलब अब इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, एक तरह से देवदूत हम कह सकते हैं हिंदी में. तो ये हो गया आपका, एक्चुअली ये थियोलॉजी में यूज होता है, हम इसको यूज करते हैं थियोलॉजी में. थियोलॉजी, थियोलॉजी का भी हम ब्रेक करें तो थियो का मतलब गॉड एंड लॉजी का मतलब स्टडी. स्टडी, स्टडी अबाउट गॉड, थियोलॉजी हम इसको बोल सकते हैं. तो देवदूत एंजल होता है. यहाँ पे आप इसको सिंपल कह सकते हो देवदूत. नाउ यहाँ पे एक वर्ड इसमें ईवी ऐड हो गया. एक्चुअली ये यू होता है जिसका मतलब होता है गुड. अब देखो कई बार आप कहते हो ईओलॉजी, ईओलॉजी मीन गुड स्टडी, यानी इसका मतलब गुड, गुड स्टडी के लिए. तो हम यहाँ पे इसका मतलब कह सकते हैं गुड न्यूज, गुड न्यूज. यहाँ पे भी हम न्यूज भी कह सकते हैं. अब ये जो है, ये है हु ब्रिंग्स द गुड न्यूज, इवांजलिस्ट का मतलब हुआ. हु ब्रिंग्स गुड न्यूज. यहाँ पे टेट्रा सॉरी यहाँ पे एन आना चाहिए था. इवान ईव एंजेलियम. नाउ दिस टेट्रा मीन्स फोर. टेट्रा मीन फोर, लाइक टेट्राहेड्रन. आपके पास एक वर्ड होता है टेट्राहेड्रॉन. अब हेड्रॉन का मतलब होता है साइड. साइड, साइड, और इसका एक चेयर भी मतलब होता है. तो जिसकी फोर साइड होती है उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं. टेट्राहेड्रन बोलते हैं. तो यहाँ पे जो है टेट्रा इवांजेलियम, इवांजेलियम का मतलब ये हुआ फोर, जो यहूदियों की चार बुक होती हैं. तो ये है चार फोर बुक ऑफ थियोलॉजी, इसका मतलब ये हुआ फोर बुक्स ऑफ थियोलॉजी अबाउट गॉड. नाउ आर्क एंजल. आर्क एंजल मीन चीफ. आर्क मीन्स एक्चुअली इसका मतलब, आर्क का मतलब कई बार किंग भी होता है. तो यहाँ पे हुआ चीफ मैसेंजर और ये एक नाम होता है एंजिला. दैट मीन एंजिला का मतलब गुड वुमन और गुड मैसेंजर. गुड वुमन, गुड वुमन. सो इवान एंजलिस्ट हु ब्रिंग गुड न्यूज
टेट्रा इवांजेलियम मीन्स फोर बुक्स ऑफ थियोलॉजी विच आर स्टडीड इन जूज़।